खाने वालों से पूछो महंगाई है कि नहीं। 180 रुपए किलो टमाटर वो कैसे खरीद रहा है, 200 रुपए किलो अरहर की दाल वो कैसे खरीद रहा है, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर वो कैसे खरीद रहा है। अंधभक्तों से नहीं पूछनी चाहिए महंगाई। अंधभक्त तो अपनी अंधभक्ति में ऐसे लीन है कि 5 किलो मुफ्त राशन में ही खुशी की लहर दौड़ गई है उनके जीवन में। मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे, महंगाई है या अंधभक्तों की तरह आप सबको भी दिखाई नहीं दे रही है महंगाई? कमेंट बॉक्स मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। भारतीय सेना में मेजर और कैप्टन की भारी कमी हो गई है। भाजपा को मजबूत करने में लगे साहेब ने भारतीय सेना को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। भाजपा कार्यालयों पर करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करने वाले साहेब भारतीय सेना में कैप्टन और मेजर तैनात नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कमी हो गई है। ये नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू हुआ है या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा पूरे देश में चल रही है। अब मेरा सवाल है देश की जनता से कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो जशोदा बेन जी को इन तीन ऑप्शंस में से क्या मिलेगा? पहला ऑप्शन पति का साथ, दूसरा ऑप्शन तलाक, तीसरा ऑप्शन गुजारा भत्ता। इन तीनों ऑप्शंस में से जशोदा बेन जी को क्या मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, संगत भगौड़ों की, ऐसा सहयोग युगों युगों में कभी कदार ही देखने को मिलता है। अंधभक्तों को धन्यवाद देना चाहिए साहब को कि उन्होंने ऐसा सहयोग हम लोगों को जीते जी दिखा दिया। आप सबको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। प्रयागराज में रहने वाली अनुप्रिया यादव मात्र 7 साल की हैं और पूरे विश्व में नंबर 1 शतरंज की खिलाड़ी बन चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ में अंडर 7 की लिस्ट आई है जिसमें अनुप्रिया यादव टॉप पर हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज की शान अनुप्रिया यादव को चेस चैंपियन कहा जा सकता है और पूरे विश्व में अंडर 7 में नंबर 1 पर आना एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आश्चर्य की बात है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मैं अनुप्रिया यादव के पूरे परिवार को। अनुप्रिया अपने आगे आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करे और नई ऊँचाइयों को छुए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ आपके साथ है अनुप्रिया, ऑल द बेस्ट। क्यों अंधभक्तों, आ गए ना अच्छे दिन। जो अंधभक्त कश्मीर में प्लॉट लेने की बात कर रहे थे वो सब्जी की दुकान पर 250 ग्राम टमाटर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे। कश्मीर में प्लॉट मिला या नहीं मिला, लेकिन सब्जी वाले के दुकान पर टमाटर 180 रुपए किलो जरूर होगा। आप सबको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। पूरा देश 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार ऐसे कर रहा है जैसे 1947 के आजादी का इंतजार कर रहा था। क्या खास होने वाला है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। अंधभक्त बोल रहे हैं कि एक को हराने के लिए सब के सब मिलकर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक को नहीं हरा पाएंगे। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि गांव में जब चोर आता है चोरी करने के लिए तो मोहल्लों वालों को इकट्ठा होकर एकता दिखाते हुए चोर को भगाना ही पड़ता। समझ में आई बात।
मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए हैं, अब चोर के भागने की बारी है। आप सबको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स को जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली। ईडी ने जितना नेताओं को जेल नहीं भेजा उससे कई गुना ज्यादा ईडी ने नेताओं को भाजपा में भेज दिया। ईडी का नाम बदलकर कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी हो जाना चाहिए। आप सबको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। डॉलर और रुपया बराबर करने आए थे साहब, डॉलर और रुपया बराबर तो नहीं हुआ, लेकिन सेव और टमाटर के भाव बराबर जरूर कर दिए साहब ने। 180 रुपए किलो सेव, 180 रुपए किलो टमाटर, सेम टू सेम। इसमें आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, सेवा का नाम है ईसाई और सिख का नाम है बलिदान। यही सब मिलकर है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। आप सबको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।